आज भारत के कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा कि अगर तुम फेल हो जाते हो, 100 बार फेल हो जाते हो, उसके बावजूद भी तुम बोलो नहीं मैं करूंगा। क्या लगता है, अंबानी, रतन टाटा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये कभी फेल नहीं हुए? अमिताभ बच्चन कभी फेल नहीं हुए? इनके जीवन में भी फेलियर्स आए लेकिन उस फेलियर से कभी ये टूटे नहीं। और आज आप लोगों को इन्हीं के बारे में डार्क सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वीडियो तक आज तू है तो समझ ले अभी के लिए बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर सकता है। अमिताभ बच्चन चूँकि एक टाइम ऐसा था आसमान से एकदम ज़मीन पर आ चुके थे और उनका दिवालिया तक हो गया था, कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा, उनके करियर दोबारा सफलता मिली और उसके बाद टीवी चैनल में प्रसारित होने वाले KBC और आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बूढ़े के बावजूद भी शिखर पर बने हुए हैं। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कभी ट्राई करना नहीं छोड़ते। रिलायंस का नाम आजकल कौन नहीं जानता, क्योंकि धीरू भाई अंबानी, भारत भर में रिलायंस का बिजनेस फैला हुआ है। जिस बंदे ने 16 साल की उम्र में एक क्लर्क की नौकरी की हो और आज इतना बड़ा बिजनेसमैन भारत का बन चुका है, क्या सिर्फ ट्राई किया, सिर्फ कुछ नया करने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश की थी? जब इन्होंने पहली कंपनी अपनी बनाई थी तो अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू करी थी, पर बस किसी कारण बस दोस्त इनके अलग हो गए और उन्होंने फिर अपनी एक अलग कंपनी बना दी। और जो आज नाम सुनते हो, रतन टाटा, 1991 में टाटा का चेयरमैन बनाया गया। बनती उनकी दो कंपनियों का दिवालिया हो गया कुछ दिन बाद ही। रिटायरमेंट की उम्र 70 से 65 करने के बाद रतन टाटा से कर्मचारी भी नाराज हो गए थे। सारी विरोधों के बावजूद उन्होंने टाटा नैनो जैसी सस्ती कार बनाई। आज टाटा दुनिया भर में अपनी पहचान एक सफल चेयरमैन के रूप में बनाई। और यही दिवालिया होने के बाद अगर ये ट्राई नहीं करते और बंद कर देते तो क्या आज इनका नाम लेते, क्या आज स्टोरी में आते? नहीं आते। वो कहते हैं ना, जितना अनसक्सेसफुल स्टोरी से सीखने से मिल जाता है, उतनी सक्सेसफुल स्टोरी से सीखने को नहीं मिलता। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द फेलियर स्टोरीज। और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता? यूपी के साधारण परिवार से निकला हुआ ये बंदा और केमिकल कंपनी में काम करा पहले, और उसके बाद कुछ अच्छा करने की तलाश में वो दिल्ली आ गया और इसके बाद उसने सिक्योरिटी की नौकरी ज्वाइन कर ली है। हम सबको पता है, शायद इसकी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी। और फिर वही कुछ सपने लेके मुंबई चले गए और वहाँ पर उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला था, एक छोटे छोटे रोल किया करते थे। एक्टिंग वर्कशॉप करके उन्होंने कुछ पैसे कमाए और उनके संघर्ष का हिस्सा था वो। तो क्या लगता है दोस्तों, फेलियर्स की बात करना चाहिए? नहीं, ट्राई करना चाहिए। 100 बार फेल हो, 200 बार, 300 बार, लेकिन उसे ट्राई करना चाहिए। अगर आइंस्टीन अगर जब 9999 बार फेल हो के भी वो हार नहीं मान सकता, शायद उस टाइम अगर वो हार मान गया होता तो आज बल्ब नहीं होता। जब वो लगभग 10,000 बार ट्राई कर सकता है तो हम 4 बार क्यों नहीं? बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाए।